जय हिंद दोस्तों आई वेलकम यू ऑल इन लेट्स क्रैक नीट एंड एंटी चैनल सो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ठीक है और इस वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन है इफ़ यू नो द आंसर देन जस्ट लेट मी मीन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है द बेस्ट मैथड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द ड्रग्स प्रजेंट इन द ब्लड ऑफ क्रिमिनल्स इन फोरेंसिक साइंस तो ये कहता है कि जो अगर हमें डिटेक्ट करना है किसी भी जो क्रिमिनल है उसके ब्लड सैंपल में कि उसने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है तो उसमें से जो कौन सा जो बेस्ट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो सब्लिमेशन का तो आ, कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है बिकॉज वहाँ पे जो है सॉलिड से है, सीधा हम जो गैस बना रहे हैं ऑपरेशन इज नॉट कंसर्न विद डैट द क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसको जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू सेपरेट आउट द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड ठीक है सो द बेस्ट ऑप्शन इज योर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सी नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग uh, क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है पूरा आपके रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में ठीक है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे जो पिक्चर में डिपेक्ट किया गया है एक ओव्यूल है यहाँ पे ठीक है ओव्यूल है जो इसमें है एम्ब्रियो सैक दिखाया गया आपको और एक क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन जो है आपका ये कहता है कि विच गिव्स द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग कि जो नरिशमेंट है वो उसको जो है कौन देता है तो वी नो कि जो uh, जो न्यू सेल्स है ठीक है जो न्यू सेलस होता है जो रेमिनेंट ऑफ पेरिसपॉर्म है तो न्यू न्यू सेलस जो है दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियोसेक ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच डेवलप्स इन टू अ सीड कोट ठीक है सीड को कोट में कौन कन्वर्ट होता है तो जो ओव्यूल uh, की जो कवरिंग है ओव्यूल की कवरिंग जो है वो जिसको उसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट ओव्यूल की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट तो इंटेगुमेंट इज कन्वर्टेड इन टू सीड कोट कहता है कि द नेम द न्यूक्लियाई विच फेस टुवार्ड्स द चलाजा लैंड कहता है कौन से जो न्यूक्लियाई हैं जो कि फेस करते हैं चलाजा एंड की तरफ ठीक है तो अगर आपको इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ठीक है दिस वॉज द डायग्राम द एम्ब्रियो सैक ठीक है तो ये यहां पे जो है आपके जो है वो एंटीपोडल सेल्स थे तीन ठीक है दैट दैट इज योर चलाजा लैंड चलाजा लैंड देट इज योर माइक्रोपाइल एंड ठीक है तो यहां पे जो है एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं ठीक है एंटीपोडल सेल्स आर देयर सो द नेम जो इसका ऑप्शन है एंटीपोडल सेल्स ठीक है उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि वैन अ सीड अ सोक इज प्रेस्ड द वॉटर उज आउट थ्रू द ठीक है सो द माइक्रोपाइल इज देर माइक्रोपाइल के थ्रू जो है जो है वाटर है जो वो वो बाहर निकलता है ठीक है सो लेट सी द ऑप्शन अगर ऑप्शन को देख लेते हैं तो ऑप्शन क्या है क्या आपके पास है द ये पहला आ गया आपका ठीक है पहला आपके पास न्यू न्यू न्यूसेलस तो ठीक है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है तो न्यू न्यू न्यूसेलस कहाँ कहाँ पर है न्यू न्यूसेलस जो है आपका एक तो फर्स्ट ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में इसका मतलब थर्ड आपका कट हो गया सेकेंड भी जो है आपका कट हो गया ठीक है फिर ताकि भाई सीड कोट तो सीड कोट इंटेगुमेंट में इंटेगुट बनाता है ये भी ठीक है फिर जो था कि कौन से सेल्स प्रेजेंट वहां पे तो एंटीपोडल सेल्स जबकि यहाँ पे क्या दें उसने माइक्रोपायल दिया हुआ है माइक्रोपायल आपका फोर्थ नंबर पे होना चाहिए था एंटीपोडल होना चाहिए तीसरे नंबर पे तो एंटीपोडल जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे और फोर्थ आपका माइक्रोपायल्स सो फर्स्ट ऑप्शन इज ये भी गलत है सो द बेस्ट ऑप्शन इज इस फोर्थ ठीक है न्यू सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है इंटेगुमेंट है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट में कन्वर्ट होता है एंटीपोडल सेल्स हैं जो चलाजल की तरफ फेस करते हैं और है जहाँ से वाटर जो है आपका आउट हो सकता है ठीक है सो फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन है कि कहता है कि द सॉयल कंटेन्स डिकम्पोज मैटर ठीक है और प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम द सॉयल एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो प्लांट होते हैं वो water, से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं व्हेन वी ईट द प्लांट्स द न्यूट्रिएंट्स एंटर इन आवर बॉडी आफ्टर आवर डेथ व्हेन आवर बॉडी इज वरीड इनटू द सॉयल आवर बॉडी विल बिकम डिकम्पोज मैटर द साइकिल अ प्रोसेस रेफर्स टू ठीक है तो ये बहुत ही क्लियर है कि लाइफ साइकिल से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो की जो है बात की जा रही है और जब भी जब एनर्जी फ्लो की जब बात होती है ठीक है तो हमारे पास सबसे जो बेस्ट ऑफ दैट इज बायोजियो केमिकल साइकिल्स ठीक है तो जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं चाहे आपकी जो सीओ टू साइकिल है चाहे ऑक्सीजन साइकिल है चाहे नाइट्रोजन साइकिल है चाहे सल्फर साइकिल है चाहे फॉस्फेट साइकिल है तो दीज साइकिल्स आर द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ठीक है तो इनके थ्रू जो है एनर्जी का जो है फ्लो जो है मेंटेन होता रहता है सो बेस्ट ऑप्शन इज सेकेंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी दैट इज बेस्ड ऑन द मलेरिया ठीक है कहता है कि जो मलेरियल पैरासाइट है उसके जो पाथ को जो है आपने जो है ट्रैप करना है ठीक है फोर ऑप्शन अ देर कहता है कि जो है सबसे पहले स्पोरोजो प्रेजेंट इन द दलाइव ऑफ द मॉस्किटो ओके ठीक है जो जो स्पोरजोइ प्रेजेंट है ऑस्कोटो लाइवा में उसके बाद है दे एंटर्स इन टू द अगर उसने जो कट जो है बाइट किया है ह्यूमन को तो कहाँ पर जाएंगे वो लीवर में जाते हैं ठीक है टू द लीवर ऑफ द ह्यूमन बींग्स लीवर के बाद जाते हैं वो आर बी जो है आर बी सी जो है ठीक है लीवर के बाद जो है वो जाते हैं आर बी सीज के पास और आर बी सी के पास जाते हैं वो जो है जो सी ऑप्शन आपका ठीक है वहाँ से जो है जो है जो उसमें गैमेट्स बनेंगे और वो गैमेट्स जो हैं दोबारा से सक किए जाएंगे किसके थ्रू मॉस्किटो के थ्रू और बाकी जो फर्दर जो साइकिल है वो कहाँ होती है मॉस्किटो की जो है बॉडी वहाँ पे कंप्लीट होती है ठीक है तो यहाँ पे देखो जो बेस्ट जो फर्स्ट ऑप्शन आपका बन रहा है यहाँ पे कि ए लाइफ साइकिल इन ह्यूमन लीवर बिल्कुल ठीक है बी जो है आपका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है लाइफ साइकिल थ्रो साइड्स बिल्कुल ठीक है फिर गैमेट्स बनेंगे गैमेट्स को जो है मॉस्किटो जो है उसको सक करेगा और बाकी की जो आगे जो साइकिल है वो जो है मॉस्किटो के बॉडी में जो है वो रन होगी ठीक है तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे ठीक है लेट्स सी द अदर ऑप्शन ये तो पहला था अगर जो है बाकी के ऑप्शंस भी अगर देख लेते हैं ठीक है तो ये जो सेकेंड कह रहा है कि द लाइफ साइकिल इन अरिथ्रोसाइड्स नहीं बिल्कुल ही गलत है सब स्टार्टिंग जो है लीवर से होगी ठीक है फिर जो आपका थर्ड ऑप्शन आ गया ये भी अरिथ्रोसाइड्स कह रहा है नहीं ये भी नहीं है फिर आपका फोर्थ आ गया मॉस्किटो से स्टार्टिंग होते ही नहीं है ठीक है सो यहाँ पर जो है जो बेस्ट जो फर्थ जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका ठीक है वो जो है आपका पे जो है वो बेस्ट आ जाएगा ठीक है सो योर आंसर विल बी द फर्स्ट ठीक है ये जो ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पे ठीक है सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग किस में से कौन जो है सही है और कौन जो है वो गलत है ठीक है तो ये फ्रूट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कहते हैं कि पेपो इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रैक कारपेलरी ओवरी ठीक है सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्राई जो है पेपो का यहाँ पे क्या मीनिंग है तो पेपो फ्रूट्स जो बोलते हैं हम उनको बोलते हैं जैसे वॉटर है या जो ककम्बर है ठीक है वाटर तो मेलन हो गया ठीक है लाइक like वाटर जो है हम लोग यूज़ करते हैं वाटर है या जो ककम्बर है ठीक है दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द पेपो फ्रूट्स ठीक है ना तो पेपो फ्रूट्स कैसे होते हैं कि ये फ्लैशी होते हैं ठीक है जो सेवरल फ्रूट्स जो है यहाँ पे फ्रूट के अंदर कई सारे सीड होती है ठीक है और जो है ये जो है सिंगल फ्लावर्स जो डेवलप होते हैं ठीक है थीके? और सिंगल ओवरी होती है लेकिन जो कार्पल है वो कई सारे होते हैं यहाँ पे ठीक है तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो ट्राई कार्पल ओवरी है यहाँ पे कार्पल्स का नंबर जो है ज्यादा होता है ठीक है सो ये योर ऑप्शन ये जो ऑप्शन है, है बिल्कुल ठीक है ठीक तो है जी आप ध्यान देंगे पेपो फ्रूट्स हैं कि एग्जाम्पल क्या है पेपो फ्रूट्स का दट इज वाटर एंड द ककम्बर ठीक है नेक्स्ट इज कह रहा है कि तो ये आपका क्या हो गया दैट इज़ योर ट्रू नेक्स्ट कह रहा है कि तो बी ड्रूप इज डेवलप्ड फ्रॉम द पेंटा कारपेलरी ओवरी ठीक है तो ड्रूप क्या है कि भाई ड्रूप जैसे जैसे चेरी हो गया ठीक है चेरी जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द ड्रू फ्रूट तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं ये ठीक है सिंगल सीड होता है जैसे मैंगो है तो वहाँ पर आपका जो एक सीड है बाकी जो फ्लैशी पार्ट है ठीक है तो ये 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 जो है आपके ड्रूप जो है ड्रूप कहलाते हैं ठीक है तो जो सिंगल ओवरी से जो है ये जो है डिराइव होते हैं ठीक है बट जो ड्रूप की क्या खास बात है कि दिराएग, दिराएग फ्रॉम फ्रॉम द द सिंगल ओवरी ठीक पे है सिंगल ओवरी यहाँ पे पेंटा कार्पल ठीक है दिस स्टेटमेंट फॉल्स नेक्स्ट इज द पोम इज कॉल्ड सूड फ्रूट ठीक है द पोम का जो एग्जाम्पल है दैट वी हैव जस्ट लाइक एप्पल ठीक है तो जो एप्पल है आपका जो है इसका एग्जाम्पल है ठीक है जिसमें जो है की अफ्लैशी जो है अफ्लैशी एंड लाज रिसेप्टिकल होता है एंड द टफ सेंट्रल

ठीक है तो ये हस्पेडियम जो है ये जैसे जो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल आता होता है दैट इज ऑरेंज जो संतरा है उसके लिए जो हम इसको बोलते हैं उनको बोलते हैं ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं हस्पेडियम फ्रूट तो हस्पेडियम क्या कि अ फ्रूट विद अ सेक्शनल पल्प इनसाइड इट ठीक है ना जिससे मान लो कई सारे जो उसमें पल्प होती है ठीक है निकाल सकते हैं उसको तो हस्पेडियम क्या है कि अ फ्रूट विद सेक्शनल पल्प इनसाइड ठीक है एग्जाम्पल है? है इसका दैट इज योर और जैसे ऑरेंज हो गया ठीक है तो यहाँ पे जो है भाई मल्टी कार्पलरी जो यहाँ पे देखने को मिलती है ठीक है तो जो आपका स्टेटमेंट है ये भी आपका जो ट्रू हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बी इज फॉल्स सी इज ऑल्सो ट्रू एंड द डी इज ऑल्सो ट्रू ठीक है तो एग्जाम्पल यू हैव मस्ट यू मस्ट लर्न सो लेट सी द ऑप्शन ये आपके पास ऑप्शन आ गए तो ऑप्शन में था कि भी पहला जो है आपका दैट वॉज अ ट्रू तो ट्रू देखिए कहाँ पे है फर्स्ट में भी ट्रू है आपका बी में भी फर्स्ट ट्रू है ये फॉल्स आ गया तो थर्ड ऑप्शन इस निकाल दो इसको भी निकाल देते हैं बच गया आपका फर्स्ट और सेकंड बच गया इसमें बी है आपका जो है बी तो फॉल्स था तो बी जो है फॉल्स आपका देखो ठीक बी यहाँ भी दिया है और यहाँ भी जो दिया हुआ है बी फॉल्स है ठीक है इसको एक बार रब कर देता हूँ ठीक है ये देखो ये गलत हो गया था थर्ड फोर्थ ए है ए ट्रू है बी हमारा फॉल्स था वो बी यहाँ भी फॉल्स है सी वॉज ऑल्सो ट्रू सी वॉज यहाँ भी सी जो यहाँ भी ट्रू है अब लेकिन जो यहाँ पे जो डी है यहाँ फॉल्स दिया हुआ है ठीक है और जो यहाँ पे डी है जो ट्रू दिया तो डी वॉज ऑल्सो ट्रू ठीक है सो द बेस्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन ये जो है आपका जो है बेस्ट ऑप्शन यहाँ से निकल जाएगा ओके लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे तो चूज द इनकरेक्ट पेयर चूज द इनकरेक्ट पेयर जो आपको उसमें चूज करना है ठीक है तो उस टोमेटा से जो है भाई आपका ट्रांसपरेशन होता है ट्रांसपरेशन यूज़ क्या है द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिल्कुल ठीक है ओसमोसिस के लिए जो है एस आपको चाहिए विदाउट एस पी एम ओसमोसिस कांट अकर ठीक है गार्ड सेल्स के अंदर जो है पोटेशियम uh, आयन्स का रोल है ठीक है जब वो स्वेलअप uh, होता है उस टाइम पे और जो एग्जोसमोसिस में टर्जिटिटी ये पॉइंट जो है गलत है आपका ठीक है कि अगर 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 वाटर जो है बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पे जो है जो सेल वो श्रिंक करेगा ठीक है ना कि वो टर्जिट होगा ठीक है टर्जिट के लिए जो है वो एंड ओसमोसिस होना चाहिए ठीक है टर्जिडिटी के लिए एंड उसमोसिस होना चाहिए ना कि एक्स ऑस्मोसिस ठीक है सो द बेस्ट ऑप्शन इज अथिटी ओकेस्ट क्वेश्चन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ठीक है यह कहता है कि द म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ठीक है कि जो म्यूल है वो एक अब एक एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का मतलब कि हमने दो स्पीसीज के बीच जो है क्रॉस करवाया ठीक है और हमें पता है कि जो है अगर स्पीशीज़ की डेफिनेशन यही है कि जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उसी को हम स्पीशीज़ बोलते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे जो बोला गया कि भाई जो है म्यूल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द हॉर्स एंड डंकी तो हॉर्स अपने आप में एक अलग स्पीशीज़ है डंकी अपने आप में अलग स्पीशीज है ठीक है बट हेयर द म्यूल इज़ नॉट फर्टाइल जो यहाँ पर फर्टाइल नहीं है ठीक तो है तो भाई म्यूल इज़ अ प्रोडक्ट ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक uh, है uh, स्टेटमेंट इज़ बिल्कुल ठीक है कि म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटर स्पेसिफिक ठीक है रीजन क्या कहते हैं कि द म्यूल इज प्रोडक्ट फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन फीमेल डंकी एंड द मेल हॉर्स फीमेल डंकी एंड द मेल हॉर्स ये ये जो है यहां पे थोड़ा सा गलत है ठीक है बिकॉज जो म्यूल है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ द मेल डोंकी ठीक है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स फीमेल हॉर्स ठीक है दैट इज द म्यूल इज द प्रोडक्ट ऑफ द बट फीमेल डोंकी एंड द मेल हॉर्स लेकिन जो है ठीक है फीमेल डोंकी एंड द मेल हॉर्स ठीक है इसी में अगर इसका जो है आप जो है अगर आप उल्टा कर देते हो एक है हिन्नी उसको भी जो है डेवलप किया गया है हिन्नी जो है हिन्नी इज द प्रोडक्ट ऑफ बट फीमेल जो फीमेल जो है ठीक है फीमेल जो है डोंकी और जो है मेल हॉर्स जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका हिन्नी कैसे बना है फीमेल डोंकी ठीक है जो आपका जो है फीमेल डोंकी और उसको क्रॉस कराया आपने मेल हॉर्स के साथ ये आपका जो डोंकी तो वो हिन्नी बनता है तो ये कह रहा है कि द म्यूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन द फीमेल डोंकी ठीक है लेकिन होना क्या चाहिए था होना चाहिए था मेल डोंकी होना चाहिए था और जो है फीमेल हॉर्स होना चाहिए था ठीक है यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेल और डोंकी होना चाहिए था और फीमेल हॉर्स होना चाहिए था लेकिन इसने यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है किसका दे दिया है इसने दे दिया है आपको फीमेल डोंकी दिया है और जो है मेल हॉर्स दिया है तो जो है ठीक है फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स से बनता है हिन्नी बनता है ठीक है हिन्नी बनता है ना कि जो है म्यूल बनता है ठीक so so है सो द रीजन इज रॉन्ग सो रीजन रॉन्ग है कहाँ कहाँ पर देखो फर्स्ट जो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट आ गया कि द इज करेक्ट बट द आर इज रॉन्ग ठीक है ओके लेट्स सी द नेक्स्ट ओके देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, ओवरी द लीवर और द पैनक्रियास ठीक है सो जस्ट कमेंट योर आंसर थैंक यू थैंक यू सो मच